आपकी जो राज्य सरकारें हैं वो अपने श्रमिकों को लाने की ट्रेन्स की जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी परमिशन क्यों नहीं दे रहे? एमएचए द्वारा चिट्ठी लिखे जाने के बावजूद, पीयूष गोयल रेल मंत्री के फोन करने के बावजूद, वहां से चिट्ठी जाने के बावजूद, उसके बावजूद भी ममता सरकार एक तरह से इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही और सोनिया जी भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। दुखद है कि जो तस्वीर आज हम सड़कों पर श्रमिकों की देख रहे हैं वो इसी का नतीजा है। आज राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख के गृह सचिव ने भी कहा था कि श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन तक श्रमिकों को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार उनके लिए बंदोबस्त करे, उनके लिए सही तरीका अपनाए, शेल्टर होम में रखे, शेल्टर होम में उन्हें भोजन कराए, जलपान पानी इत्यादि की व्यवस्था करे। ये सारा केंद्र सरकार ने खर्चा उठाया हुआ है, सारा पैसा केंद्र सरकार ने SDRF के माध्यम से राज्य सरकारों को दिया हुआ है ताकि शेल्टर होम में ये लोग रह सके, श्रमिक बंधु माइग्रेंट लेबर्स, और फिर ये श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन तक सुरक्षित पहुंचाए जा सके। आज बेचारे श्रमिक पैदल चल रहे हैं, आज बेचारे श्रमिकों के पांव में छाले हैं। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ममता बनर्जी और सोनिया गांधी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं कि उनकी उनके शासित राज्यों में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किए गए हैं और उनके राज्यों में परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। बंधुगण, आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, इट विल नॉट बी आई वुड से रॉन्ग टू से टुडे दैट दी स्टेट्स, सर्टन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल एंड सम कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स डिसओन देयर ओन माइग्रेंट लेबर्स। आज कुछ राज्यों ने अपने ही माइग्रेंट लेबर्स को, अपने श्रमिकों को एक तरह से पराया कर दिया है। रेल मंत्री कई बार झूठ बोलते पकड़े गए, आप ही के एक समाचार पत्र ने दिखाया कि किस प्रकार से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या को लेकर भी श्री पीयूष गोयल ने देश को झूठ बोला और बरगलाया। पर एक बार इसे छोड़ दीजिए, अलग रखिए, क्या रेल मंत्री ये बताएंगे कि अगर रेल मंत्रालय 100 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में डाल सकता है तो श्रमिकों को निशुल्क घर वापसी के लिए मदद क्यों नहीं कर सकता? जो हजारों करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में आया है, प्रधानमंत्री उसमें से 100 या 200 करोड़ रुपया श्रमिक ट्रेनों में निशुल्क किराया कर घर वापसी के लिए क्यों नहीं दे सकते? और राजस्थान की सरकार, पंजाब की सरकार, कर्नाटक की कांग्रेस की इकाई, केरल की कांग्रेस की इकाई बार बार पैसा जमा करवाने की गुहार लगा रही है, पर जानबूझकर ना ट्रेनें उपलब्ध करवा रहा रेल मंत्रालय और ना पूरा पैसा जमा करवा रहा, यानी खुद निशुल्क करेंगे नहीं। और अगर कांग्रेस के साथ ही एक एक रुपया इकट्ठा कर या कांग्रेस की सरकारें आगे बढ़कर इस बारे में पैसा देने की गुहार लगाएं तो वो पैसा जमा नहीं करवाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो ये बताया भी कि 780 रुपया प्रति मजदूर घर वापसी के लिए वो दे रहे हैं। कर्नाटक में और केरल में हमारी इकाइयां 1000 रुपया से ज्यादा प्रति मजदूर पैसा जमा करवाने को तैयार हैं। हरियाणा की इकाई ने मुख्यमंत्री को 42 लाख रुपया दे दिया है, परंतु वो पैसा क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और श्रमिक एक्सप्रेस को की उपलब्धता क्यों नहीं हो रही? क्या हमारे रेल मंत्री और प्रधानमंत्री का दिल उस भयावह मंजर को देखकर नहीं दहलता जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपने बहन भाइयों को गोद में लिए नंगे पांव छाले समेत किसी प्रकार से घर वापसी कर रहे हैं और अनेकों लोग एक्सीडेंट्स में मौत के शिकार भी हो रहे हैं? थोड़ी दया तो कीजिए, मानवता की दुहाई ही सुन लीजिए, कम से कम आगे बढ़कर झूठ बोलना बंद कर हमारे मजदूर भाइयों की मदद करिए। धन्यवाद।